ऐसे प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। क्यों? प्लीज जाने दो। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। आज नहीं। प्लीज पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। जिसकी चाहे उसकी उतार दो खाल, नाम है मेरा अनिकेत पैनीवाल। तुम्हें पता नहीं रास्ता लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो तुम यहाँ से क्यों जा रही थी? मुझे पता ही रास्ता सेफ नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी घर जाना था, मुझे अर्जेंट काम था, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट लिया। बाय द वे थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। वो तो कोई बात नहीं, वैसे आप रहते कहाँ? जे ब्लॉक। सच्ची? क्यों, आप भी वही रहते हो क्या? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रहता, बट आसपास ही रहता हूँ। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, चलो। आपका नाम क्या है? अनिकेत। और तुम्हारा? मोहिनी। ओके। बस बस अनिकेत, यहीं रोक दो, मेरा घर यहाँ से पास में, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय बाय। अच्छा अनिकेत, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, तो क्या हम कल कॉफी पे जा सकते हैं? हाँ हम जा सकते हैं। आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर दूंगी। लिखो। बोलो। नहीं नहीं। ओके। मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके बाय। बहुत सही लग रहा है यार, देख रहा चेन कैसे चमक रही है। अबे तुम आज भी टिकटॉक ही बना रहे हो यार, इतना टाइम लगा दिया, कहाँ रह गया था यार? और क्या हाल है भाई? अरे यार इसमें मतमार दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं यार, रास्ते में दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो बस यार उस लड़की की मदद करते और उन लड़कों को थोड़ा समझा दिया। भाई मैंने तेरे को कितनी बार मना करी, ये हीरोपंती करना छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इन सब में, दुनिया में इतने लोग चलते हैं, वो मदद कर देते, तेरे को आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अगर कल को तेरे को कुछ हो जाता तो ये सोच तेरा और तेरे घर वालों को क्या होगा। वही तो। अरे कोई नहीं यार, बेचारी लड़की परेशान थी, लड़के छेड़ रहे थे, तो मैंने उसकी मदद कर दी, ऐसे भी मदद करने में कौन सी बुराई है भाई। चल ठीक है, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा, तुझे क्या मिला? फालतू में अपना कंधा और तुड़वा लाया तू, और बदले में एक सड़ा सा छोटा सा थैंक यू बोल के गई होगी, तुझे अपना फोन नंबर तो नहीं दे के गई ना भाई? देकर गई ना अपना फोन नंबर। चौक कर रहा भाई, भाई अपना फिर से लड़की का नंबर ले आया भाई। भाई यार आई एम प्राउड ऑफ यू यार भाई, अगर तू ऐसे ही आ जाता ना भाई, तो यहाँ तो हम दोनों से पिटता भाई। पता है लड़की की मदद करनी चाहिए भाई, नारी शक्ति। और क्या, बस बकैती मत करो तुम दोनों। चल भाई अब पार्टी कब दे रहा है? पार्टी किस बात की भाई, तूने लड़की सेट कर लिया यार? अभी कहाँ सेट करी, अभी तो नंबर ही मिला है। अच्छा एक काम कर, चिकन पार्टी नहीं मांग रहे हम तुझसे, कोल्ड ड्रिंक और मोमोज खिला दे बस। और क्या, चलो खिला। चल चल चल। ओए 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 ओए, चल गया चल गया चल गया चल गया। मना कराता है नहीं खाने मोमोज, नहीं खाने, चटनी का भिगो भिगो के खिलाती है। अब निकलती है चटनी, खराब हो गई। इनसे हगने भी ना देते, कौन मर गया?
हेलो हेलो अनिकेत, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ मोहिनी बोलो। वो आज हम कॉफी पे जाने वाले थे ना। हाँ तो चलेंगे ना। तो मैं आपको कैफे का एड्रेस व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप शाम को 5 बजे वहीं पर मिलना। ठीक है व्हाट्सएप कर दो। ओके बाय बाय। ओके बाय। कहाँ रह गए यार, अब तक आई नहीं। तो हो गया, 5 बजे बुलाया था। हेलो मोहिनी, कहाँ हो यार? तुम्हारे सामने हूँ, सामने देखो। सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। भैया दो कॉफी भिजवा देना। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना। दिल पे चलाना जब जोर कोई, दिल पे चलाना जब जोर कोई, तू मेरे पास आ गई। ले ब्रो आइसक्रीम। तू भी क्या दरखास्त, तेरे भाई ने खिलाया। अच्छा, और मैं तुझे बचपन से पाल रहा हूँ, उस सब का क्या? बे यार क्या अभी। अच्छा ये सब छोड़, और ये बता भाई, लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची, और भाभी तुझसे लाइक वाइक प्यार वाइक करती या नहीं करती? यार लाइक और प्यार का तो पता नहीं, लेकिन जब मेरी तरफ देखकर वो स्माइल करती है ना, तो ओए होए होए होए, क्या बताऊं यार, बड़ी खतरनाक फील आती है सच में। सही बात है। और बता कब प्रपोज कर रहा है तू? यार सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, जब मुझे लगेगा तो प्रपोज कर देना चाहिए, तो कर दूंगा प्रपोज। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू यार। सुनो चल यार, चलते हो अब इस मोमोज खाने यार। तो पागल है क्या यार? यार चलना यार, मस्त चटनी में डुबो के एक्स्ट्रा मेयोनीज से खाऊंगा यार। नहीं यार, तू हमेशा मोमोज मोमोज, मेरी औकात नहीं यार मोमोज खाने की। भाई चलना यार, हाफ प्लेट खाएंगे बस। मैं अगले दिन यार मेरी जल के राख हो जाती है यार। कोई नहीं भाई, तू चलना चलना भाई, चल अब आइसक्रीम तो खाने दे। चल नहीं, मोमोज मोमोज। हाय मोहिनी। हेलो अनिकेत। मोहिनी मुझे ना तुमको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या बताना था? नहीं नहीं फोन पर नहीं, मैं चाहता हूँ तुमको मिलकर बताऊँ। ठीक है बताओ, कहाँ मिलना है? वहीं पर जिस बेंच पर हम हमेशा मिलते हैं। ठीक है, मैं हाफ एन आवर में मिलती हूँ आपसे। ठीक है, मैं भी रेडी होकर पहुँचता हूँ वहाँ पे। ओके बाय। ओके बाय। हेलो अनिकेत, कहाँ हो यार तुम? थोड़ी दूर हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। तुम पहुँच गई? हाँ मैं पहुँच गई हूँ, बस 2 मिनट वेट करो, मैं भी आ गया। ठीक है। अरे मोहिनी तो यहाँ पर है ही नहीं, उसने तो मुझे फोन करके बोला कि वो आ चुकी है, बेंच पर ही बैठी है, और कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रही। कहाँ चली गई है? फोन करके पूछता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हो गया इसको?
डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। यार मोहिनी, मैंने तुमको कितनी कॉल की, कितने एसएमएस किए, तुमने मेरी किसी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, ना किसी एसएमएस का रिप्लाई दिया। यार तुमने तो फोन करके मुझे बोला था कि तुम वहाँ पहुँच चुकी हो, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तुम तो मुझे वहाँ कहीं मिली ही नहीं। सॉरी अनिकेत, कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो यार कम से कम एक कॉल तो करके बता देती, अगर फोन नहीं कर सकती तो तुम मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देती। कॉल और मैसेज करने का टाइम ही नहीं मिला यार, सॉरी। और हाँ, तुम कुछ बताने वाले थे ना, बोलो। यार मोहिनी, मैंने तुमको बोला था ना कि मैं फोन पर नहीं बताऊंगा, मिलकर ही बताऊंगा। ठीक है, हम कल पक्का मिलते हैं, फिर मुझे बताना कि क्या बात है। ठीक है, हम कल मिलते हैं, और प्लीज कल मिल जाना। ओके ठीक है, ओके बाय। मोहिनी, जिंदगी चल तो रही थी, लेकिन तुम्हारे आने से मैंने जीना शुरू किया, और अब बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हर एक ख्वाब को पूरा करूं, तुम्हें वो प्यार दूं जो प्यार मैं तुमसे चाहता हूँ। और आज अपने दिल की बात तुमसे कहता हूँ कि मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मोहिनी। बोलो ना मोहिनी, क्या हुआ? यार अनिकेत, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती खराब हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना अच्छा दोस्त खो दूँ और हम एक दूसरे से दूर हो जाए। तो निकेत प्लीज़, आज के बाद इस बारे में मेरे से कभी बात मत करना, और अच्छा यही होगा कि तुम इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। और हाँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, लेकिन अनिकेत मुझे अभी काम है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय बाय। शायद मोहिनी सही बोल रही है, मुझे उसके साथ ये सारी बातें करके अपनी दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए। इस मंथ में यार वन पैक आपको सिक्स पैक ऐप करना है यार। बिल्कुल भाई, बहुत हार्ड वर्क करना है। अबे तू तो यार कल भाभी को प्रपोज करने गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, उसने कहा कि वो मुझे उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से मैं देखता हूँ। उसने बोला ये सब बातें मेरे साथ मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी दोस्ती खराब हो जाए। फिर मैं चुपचाप घर आ गया। अपने क्या बोलता? नहीं यार, तू पागल है यार। क्यों भाई, लड़कियों का नाम ही तो हाँ होता है। तुझसे प्यार करती होगी यार, तू एक काम कर, मेरे सामने अभी फोन कर और अभी उससे बोल। इस वक्त फोन? भाई फोन कर, अपने दिल की बात फिर बोल उससे। यार लेकिन कुछ गड़बड़ होगी तो? मैं हूं ना भाई, तू बोल। पक्का? पक्का भाई, तू बोल। यार कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी यार। फोन कर तुझसे भाई। बैल जा रही है। हेलो। हेलो मोहिनी। हाँ निकेत, बोलो। मोहिनी, मैंने उस दिन जो पार्क में तुमसे जो भी कुछ बोला, दिल से बोला था। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। यार अनिकेत, मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था ना कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती क्या? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुम जैसे लड़के से दोस्ती की। तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। नहीं ऐसा नहीं है। पहले लड़की को अपना दोस्त बनाते हो, उनके साथ दो चार दिन घूमते हो, तुम्हें ये लगता है कि लड़की सेट हो जाएगी, तो तुम उनको प्रपोज कर देते हो, जैसे कि तुमने किया। अरे मैं वैसा नहीं हूँ। और तुम लड़कों के लिए बहुत आसान होता है ना लड़कियों के दिलों के साथ खेलना, और तुम इस गेम में बहुत माहिर निकले अनिकेत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मोहिनी। और अनिकेत, मुझे अब अपनी लाइफ में कोई लड़का नहीं चाहिए, ना बॉयफ्रेंड ना दोस्त। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती कभी ख़राब ना हो, लेकिन आज तुमने वो भी ख़राब कर ली। और प्लीज़ आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं आज के बाद तुमसे कभी मिलना चाहूँगी। अरे भाई क्या हुआ यार, क्या क्या उसने? भाई बता क्या कहा यार। तो मना किया था ना मैंने, नहीं करते फोन, लेकिन तूने जब बोला लड़कियों की नामें यहाँ होती है। यार मैं तो तेरे घर ही जा रहा था यार। मैंने तेरे को बोला था ना कि मना कर दिया ना उसने अब मुझे। पर यार अनिकेत, यार बोल दिया उसने,
कि ना मेरे से मिलना चाहती है आज के बाद और ना मैं उसे कभी फोन करूँ। तो खुशी के पल उसके साथ बिता रहा था, लेकिन तेरी वजह से ना आज वो भी छिन गए और हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। यार मैं तो चाहता था ना यार शान, इससे पहले मैं तेरे सब कुछ कर दूँ या तुझे उल्टा सीधा बोल दूँ प्लीज। यार पर मेरी बात तो सुन, मैं बोल रहा हूँ चला जा विशाल यहाँ से। पर इनके सुन, मैं विशाल बोल रहा हूँ चला जा यहाँ से। वाह, मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया, तुम्हारी हर एक खुशी में अपनी खुशी समझी, और आज तुम मुझे छोड़कर इस लड़के के साथ घूम रही हो। ओ बस तुम पहले शांत, जब तक इससे बात कर रहा हूँ ना शांत खड़ा रहे, इसी में तेरी भलाई है। बोलो मोहिनी, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बोलो मोहिनी बोलो, चुपचाप क्यों हो? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और तुम क्या बोल रही थी उस दिन फ़ोन पर मुझे, कि तुम पछता रही हो मुझसे दोस्ती करके? आज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे प्यार करके, और आज वो गलतफहमी दूर हो गई क्योंकि तुम मेरे प्यार के लायक थी ही नहीं। अब तुम इस तरह की लड़की निकलोगी मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था। आई हेट यू। तुम्हें ये तुम्हारा प्यार मुबारक हो। बहन तूने ऐसा बताया क्यों नहीं, मैं तेरा भाई हूँ। मुझे नहीं पता भाई, और अब मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रहा है, घर चल। बात कुछ समझ न आए, कमी क्या हमने पाई, एक तरफा ये मोहब्बत हमी ने सिर्फ निभाई, जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया, जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, ओ साथी रे सब कुछ भुला दिया ये वफा। वो कुछ नहीं, रास्ते में निकेत मिल गया था और उसने उसे उल्टा सीधा बोल दिया कि सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। मोहिनी क्या हुआ तेरे और अनिकेत के बीच में, वो तुझे इतना सुना क्यों रहा था? कुछ नहीं दी, आज से 3 महीने पहले अनिकेत ने मेरे आप ही बताओ मैं क्या करती हूँ। आप ही ने बोला था कि हर लड़के पर ट्रस्ट नहीं करना, हर लड़का एक जैसा होता है, तो मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकती थी? अरे यार उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब था और उस कमीने की वजह से ना मैंने वो सब बातें तुझे बोल दी। और तू पागल है क्या, तूने वो सब बातें अपने दिल से क्यों लगा ली? अच्छा चल ये सब तो मुझे ये बता कि तू भी उससे प्यार करती है? हाँ दी बहुत। चल उसे बुला, मैं उससे बात करती हूँ। दी अब वो कोई बात नहीं मानेगा। ऐसे कैसे नहीं मानेगा, फोन में नंबर बना के दे, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो अनिकेत, मैं मानसी बोल रही हूँ, मोहिनी की सिस्टर। हाँ बोलो, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अनिकेत तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं आज वही क्लियर करने के लिए यहाँ तो बुलाया है। बताओ। अनिकेत उस दिन जब तुमने मोहिनी को बुलाया था कुछ स्पेशल बात करने के लिए
और वो तुमसे बिना मिले वहाँ से चली गई थी। हेलो, हाँ दी, क्या हुआ आपको? दी आप रुको, मैं अभी आई। तब मैंने उसे वहाँ पर अपने पास बुला लिया था, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि दी क्या हुआ? आपने अचानक मुझे फोन करके घर क्यों बुलाया? आप घबरा भी रहे थे। दी आप रो क्यों रहे हो? आज मैं उससे मिलने गई थी। किससे? अमन से। मैं उससे पार्क में मिलने गई थी और मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने अमन से पूछा कि मैं उसके लिए क्या हूँ, तो उसने बोला कि मैं उसके लिए सिर्फ टाइम पास हूँ। दी आप टेंशन मत लो, आप अपने आप को संभालो। अच्छा हुआ उसकी सच्चाई पहले आपके सामने आ गई, वो लड़का आपके लायक था ही नहीं। मोहिनी तुम एक बात ध्यान रखना हमेशा, कभी किसी लड़के पे विश्वास मत करना, सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। ओके दी। और नेक्स्ट डे ही तुमने इसको प्रपोज कर दिया और इसके दिमाग में मेरी सारी कही हुई बातें चल रही थी कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कभी किसी पे विश्वास मत करना। और उस टाइम इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसने तुमको भी समझाने की खूब कोशिश करी पर तुम समझ ही नहीं रहे थे, इसीलिए इसने तुमको उल्टा सीधा बोला और खुद को तुमसे दूर कर दिया। पर अनिकेत एक बात बताऊं कि तुमसे बहुत प्यार करती है। सॉरी अनिकेत, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मोहिनी, पर हर लड़का एक जैसा नहीं होता। देखा भाई, कहा था ना मैंने तुझसे कि भाभी भी तुझे बहुत प्यार करती है। हाँ यार, और सॉरी भाई। चल मार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जानते हैं वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ यार, इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ जिनके साथ शेयर कर पाओ उनके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और यार, लास्ट वीडियोस को जो आपने इतना प्यार दिया है उसके लिए दिल से बहुत 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 थैंक यू सो मच। बस यही प्यार आप बनाए रखो, बस सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाओ। यार जो लोग वीडियोस देखते हो ना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब बटन को ना दबा दिया करो, क्योंकि लास्ट वीडियो इतने लोगों ने देखी लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम आए, लेकिन कोई नहीं, मैं उतने में भी खुश हूँ, क्योंकि जितना मिलता है उतने में खुश रहना चाहिए। बाय द वे, बस ऐसी वीडियो देखते रहो, प्यार बनाए रखो, बहुत जल्द नेक्स्ट वीक मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।